एपिसोड में बिंदु दारा सिंह ने बड़ी ही अच्छी बात समझाई है राहुल वैद्य को, और शायद से उनकी सबसे बड़ी गलती को भी उन्होंने बताया कि आखिरकार तुम ये गलती नहीं करते तो तुम कहाँ होते। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। बता दूं आपको कि बिंदु दारा सिंह सीजन 3 के विजेता है, काफी समझदारी से गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर वो राहुल वैद्य के साथ में बात करते हुए नजर आए और उनसे ये बोलते हुए नजर आए कि तुम्हें यहाँ पर सब भगोड़ा कह रहे हो। ठीक है, वो वक्त जो है वो निकल चुका है, वो समय निकल चुका है कि इससे आगे बढ़ो। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि तुम यहाँ से चले क्यों गए थे, इसका एक मुझे एक सटीक रीजन बताइए। क्योंकि देखिए, हर किसी के मन में ये जानने वाली जिज्ञासा थी कि आखिरकार क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से राहुल वैद्य जो है वो अचानक से क्विट करके चले गए। उन्होंने कहा क्या तुम इसलिए चले गए क्योंकि कुछ दिन पहले कविता कौशिक वर्कआउट करके चली गई थी? कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जब राहुल वैद्य ने फिर सीट को एक्सप्लेन किया कि मैं इस घर में काफी अकेला पड़ गया था, एक भी ऐसा इंसान घर के अंदर नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता। बच्चा कौन कौन था मैं आपको वो बता देती हूँ। जैस्मिन थी, अभिनव थे, रूबीना थी और साथ में थे ये एजाज खान थे। ये चार लोग बचे थे और पांचवें राहुल वैद्य थे। राहुल वैद्य वर्कआउट कर जाते हैं, वो गेम शो क्विट कर देते हैं और यहाँ पर चीजें जो है वो पलट जाती हैं। खैर, तो यहाँ पर फिर बिंदु दारा सिंह कहते हैं ठीक है तू चला गया, फिर तू वापस क्यों आया? तो वो बोलते हैं कि फिर तब तक ये सब लोग आ चुके थे वापस, निकी वापस आ चुकी थी, एली वापस आ चुके थे और उसके बाद प्लस चैलेंजेस भी आ चुके थे। तो उन्होंने कहा यही तूने गलती कर दी है कि तू अगर नहीं जाता ना, इस अगर उस समय पर तू गेम शो छोड़ के नहीं जाता ना, तो जो जूता तूने सीधा रखा हुआ है ना वो उल्टा होता। तो यानी कि कहीं ना कहीं जहां तक हम समझ में आ रहे हैं कि बिंदु दारा सिंह का कहना यह था कि तेरा अच्छा खासा कनेक्शन बन सकता था रूबीना दिल्ले के साथ में, प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी नहीं होती। इनफैक्ट बाद में तो राहुल वैद्य का कनेक्शन जो है वो जैस्मिन के साथ में भी बनता हुआ नजर आया है। तो गाइस, अब आप लोग हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या बिंदु की ये बात आपको सही लगती है या नहीं? वेल, राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही सारी खबरें ऑल टाइम।